नमस्कार, मैं हूँ मैं सूर्यवंशी। स्वागत है आपका मायास फूड में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई कुकर में, तो देखते हैं ये वीडियो। तो चलिए, नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में घी ले लेते हैं। तो लगभग एक छोटी कटोरी के करीब हमने यहाँ पे घी लिया है। अब इस घी में हमें पिसी हुई शक्कर ऐड करना है। तो लगभग 3 बड़े चम्मच मैं इसमें पिसी हुई शक्कर ऐड करूँगी। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो ये देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट तक हमने इसे मिक्स किया और ये थोड़ा क्रीमी सा लगने लगा है। अब हम इसमें ड्राई चीज़ों को डालेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालते हैं, मिक्स कर लेंगे इसे। अब हम इसमें 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच बेसन, इसे भी मिक्स कर लेना है। 1 कटोरी हमने मैदा लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम मैदा मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, सारी चीज़ें डालने के बाद हमें इसमें पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नान खटाई को हमें कुकर में सेट करना है, तो इसके लिए कुकर लेंगे। इसमें ये इस तरह की मैं रिंग रखूंगी और इस तरह से बड़ा वाला इस इडली का वाला स्टैंड, फिर उसके ऊपर उससे छोटा वाला इडली का स्टैंड, इस तरह से रखकर हम नान खटाई को सेट करेंगे। इसके लिए पहले प्री हीट करेंगे। हमारे इडली स्टैंड में भी हम जल्दी जल्दी से घी लगा लेंगे, जिससे कि नान खटाई चिपके ना इस तरह से। यूं छोटे छोटे से पेड़े हमें इसके बनाना है, स्टैंड पे हमें रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने नान खटाई को इसमें सेट कर लिया है। अब हम इसमें ये बड़ा वाला स्टैंड रखेंगे और फिर ये छोटा वाला स्टैंड रखेंगे। ये देखिए, अब सीटी निकाल के हम इसे कवर करें। तो कुकर के हमें सीटी हटा लेना है और लगभग 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। तो लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए, तो ये गर्म है अभी, इसे हम निकाल लेते हैं। इसे पूरा ठंडा होने दें, इसके बाद ही इसे निकालें। तो पहले हम इसे डेकोरेट भी कर लेते हैं इस तरह से, फिर हम इसे बाद में निकाल लेंगे। तो ये पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही से हमने निकाल लिया है। तो ये हमारा नान खटाई बनके बिल्कुल तैयार है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।